दक्षिण भारतीय अभिनेतारु सारा भारत रे स्टार भावे परिणत होइथिबा प्रभास, सैफ अली खान ओ कृति सानन कु नै तयारी फिल्म आदि पुरुष 2 रो टीजर रिलीज हो सारिछि। टीजर टी रिलीज हेबा पूर्वरु आदि पुरुष फिल्म कु नै जेति कि उत्साह देखा जाउथिला, टीजर रिलीज हेबा परे दर्शक मानक मध्य रे एही उत्साह फीका पड़ जाइथिबा देखिबा को मिलिछि। आदि पुरुष रो टीजर रे VFX इफेक्ट ओ दशानन होइथिबा सैफ अली खान को लुक को दर्शक मानंकु आदो भल लागु नाही। सोशल मीडिया व्यवहारकारी माने रावण भूमिका को नै आपत्ति व्यक्त करिसेंती। सोशल मीडिया व्यवहारकारी माने कहिसेंती जे रावण जणे शिव भक्त हेले सैफ रावणक लुक रे विदेशी मुसलमान आक्रमणकारीक भली देखा जाउछंती। केही केही तांकु औरंगजेब, तैमूर, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गजनी, बाबर भली मुसलमान आक्रमणकारीक भली देखा जाउथिबा लेखिसेंती। सोशल मीडिया व्यवहारकारी माने कहिसेंती जे रावण एक विद्वान ब्राह्मण थिले। हेले ए फिल्म रे सैफ अली खान को मॉडर्न हेयर कट और लंबा दाढ़ी सह देखा जाइछि। लोक माने कहिसेंती जे रावण भूमिका रे अभिनय करथिबा सैफ खिलिज परी देखा जाउछंती। जदि सोशल मीडिया व्यवहारकारी कहिसेंती जे सैफ को देखि एपरि लागुछि जे रामायण रा रावण धर्म परिवर्तन करि इस्लाम स्वीकार करिनिछंती। आउ जने सोशल मीडिया व्यवहारकारी लेखिछंती जे कौन मु ही एकुटिया भाबुछि ना आउ भी केही एमिती भाबुछंती जे सैफ आदि पुरुष रे रावण भली देखा न जाई मुसलमान आक्रमणकारी भली देखा जाउछंती। गायत्री नामक जने सोशल मीडिया व्यवहारकारी लेखिछंती रावण विद्वान ब्राह्मण थिले। से शिव तांडव स्रोत रचना करथिले। से वेदर विद्वान थिले एवं महान ज्योतिष मध्य थिले। सैफ अली खानक रूप कौनसी दृष्टिरु रावणर भली लागु नाही। अमित एस राजपूत नामक जने व्यक्ति लेखिछंती मु एबे आदि पुरुषर टीजर देखिली। एही फिल्मटी अत्यंत निराशजनक। एहा कौनसी दृष्टिरु रामायण भली देखा जाउ नाही। अत्यंत साधारण VFX अधिकांश हॉलीवुड फिल्म को कॉपी करा जाउछि। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। फेरिछि आसिण शरतर शुभ्र आकाशरे दोळा दोळा मेघंक लंबा पटुआर माटीरे काशतंटी फुलर चर पुणि नदीरे काचकिंदु पाणीर उन्मादना एठी सेठी सबुठि शुभ्रतार रंग पवित्रतार महमह बासना मा आसुछंती। मा सीए आद्यशक्ति आगमन रे उत्सव मुखरित देवी पीठ मान पवित्र दशहरा उपलक्षे पीठर देवी मानंको ने अर्गस न्यूज रो स्वतंत्र उपस्थापना शक्तिपीठ सेप्टेम्बर 25 रु प्रतिदिन राति 8:00 रे ओ पुनः प्रसारण अपराह्न 2:30 रे।